नमस्कार, मैं रितेश कुमार जयसरी स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। मध्य प्रदेश के नगर पंचायत हनुमना जिला रीवा में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी लगा मेला। नगर पंचायत हनुमना में आषाढ़ के पूर्णमासी के बाद पहला शनिवार को लगता है मेला। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, इस कारण से काफ़ी भीड़ रहती है। इस हनुमान जी के प्रांगण में मुख्य मंदिर श्री हनुमान जी का है और साथ में सीताराम की मूर्ति लगी हुई है, भोलेनाथ माता पार्वती की मूर्ति भी है और साथ में माता दुर्गा श्री गणेश जी का मंदिर भी है। यह भव्य मेला बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन इस मेले में प्रशासनिक अव्यवस्था देखने को मिला। थाना हनुमना के थाना प्रभारी निरीक्षक मेला में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कभी भी नहीं दिखते और इस वजह से आज भी नहीं दिखे। लोग अपनी बाइक तक मेले के भीड़ में ले जाकर अव्यवस्था फैला रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस मेले पर कोई ध्यान नहीं रहता। जन जागृत न्यूज की कवरेज, हनुमना से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट। जी, आपका नाम क्या है? श्याम चंद्र गुप्ता जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमना के निवासी हैं। अच्छा, हनुमना नगर पंचायत के। तो बताइए, ये मेला कौन से समय में लगता है? आषाढ़ लास्ट सावन, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब आषाढ़ लास्ट में और हनुमान जी की जयंती पर लगता है। अच्छा, हनुमान जी की जयंती पर लगता है। तो यहाँ मतलब कौन से पूर्णिमा के दिन जयंती मानते हैं कि पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जयंती मानते हैं? ऐसे ही भीड़ हर साल रहती है मेला? हाँ, मतलब पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष? हर वर्ष रहता है। पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष भीड़ ज़्यादा है या कम है, ये बता सकते हैं? पिछले वर्ष लॉकडाउन था, इस वर्ष भीड़ ज़्यादा है काफ़ी। जी जी जी, धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर कितनी मंदिरें हैं? हनुमान जी की एक मूर्ति है। हाँ, शंकर जी गौरी माँ की मूर्ति है जी, राम सीता की मूर्ति है जी, और माँ दुर्गा की मूर्ति है जी, और शंकर जी का परिवार एक स्थान पर है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रमुख मंदिर कौन सा है? प्रमुख मंदिर हनुमान जी का है। हनुमान जी का जी। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।